महायुद्ध के सबसे बड़े सीक्रेट की यानी कच्चा चिट्ठा में ये सबसे बड़ा सीक्रेट अब आपके सामने। यूक्रेन में जारी महायुद्ध के बीच परमाणु हमले का सायरन लगातार बज रहा है। अब इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और दुनिया की सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है। परमाणु युद्ध की सूरत में पहला हमला रूस करेगा या फिर अमेरिका, ये सवाल, ये प्रश्न चिन्ह बरकरार है। इसका भी पर्दाफाश लेकिन अब हो चुका है और साथ ही ये भी सामने आ गया कि रूस और अमेरिका के पास असल में आखिर कितने एटम बॉम्ब हैं और चीन ने कैसे चुपके चुपके एक साल में बड़ा परमाणु जखीरा भी तैयार कर लिया। दुनिया में एक बार फिर से परमाणु बमों की अंधी होड़ शुरू हो गई है। छुपके छुपके परमाणु टेस्ट हो रहे हैं। इन बमों के इस्तेमाल यानी फटने का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। इसे लेकर सबसे बड़ी चेतावनी जारी हो चुकी है। 2023 की न्यूक्लियर ईयर बुक रिलीज हो चुकी है। दुनिया भर में मशहूर थिंक टैंक द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की ये सालाना रिपोर्ट बहुत डरावनी है। इसके अंदर के पन्नों में क्या लिखा है जब आप देखेंगे तो सन्न रह जाएंगे। रिपोर्ट का पन्ना पन्ना आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप जरा सोचिए, अगर एक भी परमाणु बम फटा तो मंजर कैसा होगा। तो इसके लिए 1945 में जापान पर गिरे दो परमाणु बमों के अंजाम की बुरी यादें ही काफी है। सिप्री की जनवरी 2023 की रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात आपको सबसे पहले बताते हैं। दुनिया में इस वक्त परमाणु बमों की तादाद 12,512 हो चुकी है। परमाणु जखीरे में सिर्फ एक साल में 86 नए घातक बम और जुड़ गए हैं। यूक्रेन में जारी युद्ध के बाद कभी भी परमाणु बम फट सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि वो दुश्मनों को सबक सिखाने के पहले परमाणु बम इस्तेमाल नहीं करने के रुख को ताक पर रख सकते हैं। दुनिया में इस समय परमाणु युद्ध के कितने मोर्चे एक्टिव हैं? आपको ये भी बताएंगे। अभी आपको सिप्री की रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा दिखाते हैं। दुनिया भर में परमाणु ताकत से लैस 9 देश हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। इन देशों के पास जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक 3,844 परमाणु हथियार, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से लैस हैं। यानी करीब 4,000 परमाणु बम धरती पर तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ अमेरिका और रूस के ही करीब 2,000 एटम बम हाई अलर्ट मोड में रखे गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 2,000 परमाणु बम अमेरिका और रूस की मिसाइलों या फिर एयर बेसों पर खड़े न्यूक्लियर बॉम्बरों में फिट हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ दो देश अमेरिका और रूस के पास ही दुनिया भर के 90% परमाणु हथियार हैं। दोनों देशों के परमाणु जखीरे में मौजूद विध्वंसक हथियारों की तादाद 2022 तक स्थिर थी, लेकिन यूक्रेन में युद्ध के बाद एक बार फिर से दोनों देशों में इन हथियारों की अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है। रूस और अमेरिका के परमाणु जखीरे में चौंकाने वाले इजाफे का ग्राफ दिखाएं। इससे पहले आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि वो देश कौन है जिसने बीते एक साल में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अपने गोदामों में जमा किए। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास जनवरी 2022 में 350 परमाणु हथियार थे, जो जनवरी 2023 में 410 हो गए। यानी चीन ने एक साल में 60 नए परमाणु हथियार जुटा लिए। चीन अपने परमाणु जखीरे में बेतहाशा इजाफा क्यों कर रहा है, इसे समझने के लिए आपको इस वक्त दुनिया भर में एक्टिव परमाणु बमों के मोर्चे को देखना होगा। पहला परमाणु फ्रंट यूक्रेन युद्ध में खुल सकता है। पुतिन कई बार दुनिया को अपने शक्तिशाली परमाणु बमों की याद दिला चुके हैं। दूसरा न्यूक्लियर फ्रंट,
बाल्टिक देशों में मौजूद नेटो और रूस के बीच खुल सकता है, जहां न्यूक्लियर टेंशन बढ़ने की आशंका है। तीसरा मोर्चा उत्तर कोरिया के किम जोंग खोल सकते हैं, जिनकी परमाणु भूख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दक्षिण कोरिया, जापान समेत अमेरिका तक के लिए परेशानी की बात साबित हो सकती है। चौथा परमाणु मोर्चा चीन खोल सकता है, क्योंकि परमाणु बम का बड़ा जखीरा रखने वाला चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने को आतुर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो नौबत परमाणु युद्ध तक की आ सकती है। पांचवां न्यूक्लियर वॉर फ्रंट इसराइल और ईरान के बीच खुल सकता है। सिप्री की सालाना रिपोर्ट में चीन ने परमाणु हथियारों को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। तीसरी बार राष्ट्रपति, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सुप्रीम कमांडर की कुर्सी पर काबिज होने के बाद शी जिनपिंग की परमाणु भूख बेतहाशा बढ़ गई है। वो चीन को रूस और अमेरिका से भी बड़ी एटमी ताकत बनाना चाहते हैं। मौजूदा हालात में परमाणु हमले का सबसे बड़ा खतरा रूस और अमेरिका में मंडरा रहा है। ऐसे में बीते एक साल में इन देशों ने अपने एटमी जखीरे को कितना बढ़ाया है, ये जानना भी जरूरी है। हालांकि यूक्रेन युद्ध की वजह से दोनों ही देशों ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीक्रेट रखा है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के परमाणु जखीरे में 2022 तक 4,477 हथियार थे, जो 2023 में बढ़कर 4,489 हो गए, जबकि अमेरिका के परमाणु जखीरे में 2022 तक 3,708 हथियार थे। अमेरिका 2023 में भी इसी नंबर पर टिका है। जनवरी 2023 तक रूस ने 1,674 परमाणु हथियारों को किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रखा था, तो अमेरिका के ऐसे परमाणु हथियारों की तादाद 1,770 है। रूस के परमाणु गोदामों में 2,815 परमाणु हथियार हैं, तो अमेरिका ने अपने गोदामों में 1,938 एटमी हथियार रखे हैं। परमाणु ताकत से लैस बाकी 7 देशों ने एक साल में कितने परमाणु हथियार बनाए, ये भी आपको बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पहले कुछ घंटों में ही मरने और जख्मी होने वालों की संख्या 915 लाख तक पहुंच जाएगी। 9,15,00,000 की आबादी कितनी बड़ी होगी, इसे आप ऐसे समझ लीजिए, पूरे ब्रिटेन की आबादी 8 करोड़ से कम है, यानी ब्रिटेन में जितने लोग रहते हैं उससे ज्यादा लोग परमाणु युद्ध की चपेट में आएंगे। यूक्रेन की आबादी करीब 4 करोड़ है, यानी यूक्रेन जैसे 2 देशों में रहने वाले लोग हताहत होंगे। अमेरिका की आबादी कुल 33 करोड़ है, यानी अमेरिका की 1/4 से भी ज्यादा इलाके में रहने वाले लोगों पर हानिकारक असर पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और अमेरिका में अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि अमेरिका ने रूस से आपसी सामरिक स्थिरता संवाद को स्थगित कर दिया, तो जवाब में इसी साल फरवरी में रूस ने भी अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट संधि को रद्द कर दिया। इसी करार की वजह से दोनों देश अपने परमाणु कार्यक्रमों को एक दूसरे से साझा करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को दोगुना कर सकते हैं। परमाणु बमों की लिमिट तय करने वाले करार को स्थगित कर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादे भी जता दिए थे। хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है, ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पुतिन के इस परमाणु बम का नाम है ज़ार बम। ये रूस का हाइड्रोजन बम है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम माना जाता है। ज़ार रूस के राजाओं की उपाधि रही है, इसीलिए इसे ज़ार बम नाम दिया गया है, और इस बम को परमाणु बमों के महाराजा की तरह पेश किया गया। कहते हैं अगर रूस का ज़ार बम गिरा तो धरती का जर्रा जर्रा थर्रा उठेगा। ये हाइड्रोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ फट गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है। रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था, लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो 60 बरस बाद दुनिया को दिखाया। ये उसी वक्त का वीडियो है।
रूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन जैसा ही है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है। जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय 14 किलो टन की ताकत वाला था, जबकि नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन, जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली, उसकी ताकत 18 किलो टन थी। अमेरिका की सबसे शक्तिशाली परमाणु बम B-83 की ताकत 1.2 मेगा टन की है, जबकि रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगा टन की है। अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली। यही वजह है कि रूस ने जार बम का परीक्षण आर्कटिक सागर के नोवाया ज़ेम्ल्या के ऊपर बर्फ में किया था, ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगह सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हो। अब एक बार फिर इसी इलाके में रूस के परमाणु परीक्षण की तैयारी की भी खबर। बेशक खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि रूस और अमेरिका में परमाणु बम फोड़ने का लाल बटन कभी भी दब सकता है। वैसे सिर्फ ये दोनों देश ही नहीं, सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक कई देश और हैं जो परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। सिप्री की सालाना ईयरबुक के मुताबिक भारत के पास 2022 में 160 परमाणु हथियार थे, जो 2023 में 164 हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2022 में 165 परमाणु हथियार थे, जो 2023 में 170 हो गए हैं। उत्तर कोरिया के पास 2022 में 25 एटमी हथियार थे, जो इस साल 30 हो गए हैं। इसराइल के पास 2022 में 90 परमाणु हथियार थे, जो 2023 में जस का 10 बने हुए हैं। हालांकि इसराइल ने औपचारिक तौर पर परमाणु हथियार रखने की बात कभी कबूली नहीं है, लेकिन उसके पास भी तबाही के हथियार होने की बात कही जाती है। सिप्री की ताजा रिपोर्ट में फ्रांस के पास 2022 में भी 290 परमाणु हथियार थे और 2023 में भी इतने ही हैं। ब्रिटेन के पास 2022 में 225 एटमी हथियार थे और 2023 में भी इतने ही हैं। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि दुनिया की परमाणु हवस थमेगी या फिर 78 साल बाद एक बार फिर से अंजाम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसा होगा।